हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज ही हमारे पास एप्पल मैकबुक प्रो आया है जिसका मॉडल है 1278। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, मशीन ऑन होती है तो इसमें आपका एक क्वेश्चन मार्क बना आ जाता है जो हार्ड डिस्क की वजह से भी आ सकता है, जो विंडो आपके ओएस की वजह से भी आ सकता है और एक इसमें केबल लगी होती है जो हार्ड डिस्क से मदरबोर्ड को कनेक्ट करती है उसकी वजह से भी ये आता है। इसमें दो तीन तरीके से ये प्रॉब्लम आती है। ये इसमें कॉमन इशू होता है इस मॉडल में कि आपकी केबल यदि खराब हो जाए तभी भी ये प्रॉब्लम आती है। हमारी हार्ड डिस्क या हमारी जो एसएसडी में लगी होती है वो करप्ट हो जाए या वो खराब हो जाए उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है और हम ओएस हमारा करप्ट हो जाए जिस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम आपको यही दिखाते हैं कि ये किस वजह से आती है ये प्रॉब्लम। आप ये देखोगे विंडो स्क्रीन पे ये हो रहा है तो ये प्रॉब्लम हमारी किस चीज की है हम वही दिखाएंगे आपको। सबसे पहले हम मशीन को बंद करते हैं ये देखने के लिए कि हमारी हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। और मशीन को दोबारा ऑन करने के बाद अब हम देखते हैं, देखोगे कि ये यहाँ पे दिखा रहा है कि हमें चूज नेटवर्क से करना है, यहीं पे ऑप्शन दिखा देता है हार्ड डिस्क का तो हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसमें हमारी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही है, हमें हार्ड डिस्क चेंज करनी पड़ेगी या फिर हमें इसकी केबल चेंज करनी पड़ेगी। आपके पास यदि कोई भी एप्पल का लैपटॉप हो, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर्स द्वारका दिल्ली एनसीआर में लोकेटेड है, द्वारका में, तो आप आ सकते हैं सूरज कंप्यूटर्स पर एक बार सर्विस का मौका हमें अवश्य दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें। धन्यवाद।